हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। और हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा अब लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस चैप्टर के साथ हमारी पूरी के पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो खत्म हो जाएगी सर, मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो जी, तो समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरह से बिगड़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं पॉलिसी। अब उस पॉलिसी में ही वो एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमने अपने बच्चे को कितना पैसा उसके हाथ में देना है, कितनी मनी की सप्लाई देनी है उसको कि वो बिगड़े ना, वो गलत संगत में ना जाए, वो पैसे का मिसयूज ना करे, ठीक है। और ये ना हो कि हम लोग ज्यादा देने लग जाएं तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने लग जाए। तो वो चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक बच्चा जो है वो बिगड़े ना। तो पेरेंट्स ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब वो ये पैसे से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कितना पैसा उसके हाथ में देना है, कितना नहीं देना कि उसकी डिमांड ना बढ़ जाए, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये सेम चीज इकोनॉमी में इंप्लीमेंट होती है, ठीक है ना। इकोनॉमी में हम लोगों को क्या देखना है कि बहुत सारा पैसा जो है वो इकोनॉमी में नहीं आना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, वो सब चीजें जब डिसाइड करनी है हम लोगों को तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आई। अगर जब आपके पेरेंट्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसको मैं बोलता हूं इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक मींस एक कंप्लीट ओवरऑल पॉलिसी बना रहे हैं कि आपको किस तरह से गलत संगत में पड़ने से या बिगड़ने से बचाना है। उसी का एक छोटा सा पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, कि आपके हाथ में कितना पैसा देना है, कितना पैसा, ताकि आप लोग उसको मिसयूज ना करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह से अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में भी एक तो होती है इकोनॉमिक पॉलिसी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी से कंसिस्टेंट हम बनाते हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी। किस लिए? जो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड को हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो चीजों से तो सर श्योर शॉट डील करती है। किस चीज से? एक मनी की सप्लाई से, और दूसरी जो है वो मनी की डिमांड से, ठीक है ना। तो दो चीजें तो श्योर शॉट है ना मॉनेटरी पॉलिसी की, एक मनी की सप्लाई और दूसरी मनी की डिमांड। अब ये दोनों चीजों को कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाए, सेम कि इकोनॉमी बिगड़ जाए, और मनी डिमांड, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने लगेगी। तो इसलिए वो कहता है कि दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग। ये तो डायरेक्टली हम लोग अगर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, अगर सप्लाई को कंट्रोल करना है तो इनडायरेक्टली डिमांड को भी कंट्रोल कर लो। इनडायरेक्टली डिमांड को कंट्रोल कर लो तो सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड करते जाएंगे हम लोग उतनी ज्यादा सप्लाई फिर करनी पड़ेगी। अगर बच्चे को एक बार आपने उसको कहते हैं ना कि मुंह को खून लगा दिया कि उसको आप लोग पैसा देना शुरू हो गए, सप्लाई जितनी मर्जी बेटा ले तू ऐश कर, फिर क्या होगा? फिर तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी, फिर आप कंट्रोल करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, फिर तो आपको सप्लाई उतनी करनी पड़ेगी मनी की, ठीक है। अगर शुरू से ही डिमांड्स को कंट्रोल कर लो, सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। सो कंट्रोलिंग मनी डिमांड इज एन इनडायरेक्ट वे, एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इज अ डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में आप लोग उससे पैसा खींच रहे हो कि भैया तेरे को इतना पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा, पॉकेट मनी इतनी मिलेगी, ठीक हो गया, समझ में आ गया। चलो जी, तो देखते हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, पूरे बड़े इकोनॉमिक लेवल की पॉलिसी है। ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नहीं है, पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ये पॉलिसी बनाई जाती है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट की जाती है, पूरी इकोनॉमी के इनकंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है सर? आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई। मैंने कहा कि पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, ताकि मनी सप्लाई को मैनेज करना है, एंड इंटरेस्ट रेट, एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ
कंट्री की किसी तरह से डिमांड को भी कंट्रोल करना हम लोगों ने, तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकते। अब पेरेंट्स कहते हैं बच्चा मांग ले बुरा मान जाएगा, ऐसे है, वो कहते हैं उसकी डिमांड को कंट्रोल करना शुरू कर दो। वो जो चीजें डिमांड करता है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा इट इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी, कि डिमांड को कंट्रोल करो तो सप्लाई भी कंट्रोल होगी, सप्लाई को कंट्रोल करो तो डिमांड भी कंट्रोल होगी। राइट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक द इन्फ्लेशन कंजम्पशन ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर इंपैक्ट आता है। ठीक है, In India, the monetary policy of the Reserve Bank of India, that is the RBI, is aimed at managing the quantity of money. किसको मैनेज करना है कि कितनी मनी मार्केट में रहेगी, managing the quantity of money in order to meet the requirements of the different sectors of the economy and to increase the pace of economic growth. तो economic policy किस objective से है हमारे पास, कि जो economic policy है कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स, हर सेक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मनी सप्लाई करेंगे। ठीक, और दूसरा जो मेन है क्या, टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तभी मैंने कहा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम लोगों ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें कितनी ग्रोथ चाहिए कितनी नहीं चाहिए, कितना इन्फ्लेशन का लेवल चाहिए हम लोगों को, कितनी लिक्विडिटी चाहिए, तो वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है, मॉनिटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद इट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द आरबीआई इंप्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मॉरल पर्सुएशन एंड थ्रू मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे हथियार हैं उनके पास, जैसे पेरेंट्स के पास बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हथियार होते हैं कि किस तरह से बच्चे को कंट्रोल करना है, ठीक है, प्यार से समझाना है या मार के समझाना है, ठीक है ना, या इनडायरेक्ट वे से किसी तरह समझाना है। तो जैसे पेरेंट्स के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी तरह से आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी को कंट्रोल करने के लिए। मनी को कंट्रोल करना इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी बात की थी दिस रिजर्व सिस्टम की, कुछ आरडीआर की बात की थी हमने, क्या था। अब अगर आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसको कम करना है, दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा चला गया, अब उस पैसे को हम लोगों ने इकोनॉमी में से खींचना है, कम करना है इकोनॉमी से पैसे को, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा कि बैंक में जो रिजर्व रखते हैं, जो आरडीआर है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, उसको इंक्रीज कर देगा। तो उससे क्या होगा, क्रेडिट मनी कम हो जाएगी, बैंक्स जो है वो लोन कम दे पाएंगे और मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सो रिजर्व सिस्टम इज वन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, तभी मैंने रिजर्व सिस्टम उठाया है यहां से। यूजिंग एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स विल लीड टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट और द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कहता है इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा या इंटरेस्ट रेट चेंजेस पे इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा। जैसे मैंने रिजर्व सिस्टम का आपको डायरेक्टली बता दिया मनी सप्लाई पे किस तरह से इंपैक्ट आएगा, क्रेडिट मनी कम हो जाएगी, क्रेडिट मनी कम हो जाएगी तो लोन कम मिलेंगे सर, बैंक के पास अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि रिजर्व ज्यादा रखे हमने। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी इन नेचर। मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है एक्सपेंशनरी हो या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशन मतलब कि मनी सप्लाई को बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब मनी सप्लाई को कम करना, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो कहता है कि एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। साथ साथ में ये छोटे छोटे चार्ट्स बनाते रहा करो,
ताकि एग्जाम टाइम में इजी हो आपको, एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और दूसरी तरफ से वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसको इंक्रीज करना, यहां पे मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो एक्सपेंशन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है तो खींचना है तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, मनी सप्लाई को हम लोगों ने डिक्रीज करना है, राइट। तो ये दो तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं। इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स इंडिकेट एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि मुझे मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो एक पॉलिसी लेकर आते हैं कि जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। जब इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, मनी सप्लाई उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को हमने कम कर दिया और मनी सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी। मैं बैंक के पास गया लोन लेने, मैंने कहा जी 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक कहता 10% इंटरेस्ट है। मैं सोचता हूं, मैंने कहा नहीं यार एक काम करो 5 लाख का लोन दे दो, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। अब अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कल को आरबीआई 10% से 6% कर दे तो मैं क्या कहूंगा। मैंने कहा 10 लाख का लोन की बजाय मुझे 15 लाख का लोन दे दो, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट मनी इंक्रीज हो जाएगी। जो बैंक्स का लोन है दैट इज अबाउट क्रेडिट मनी, उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से मनी सप्लाई होगी इंक्रीज एंड दैट लीड्स टू एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। उसका अगर रिवर्स करें बिल्कुल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। द रिवर्स ऑफ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब हमें लगता है कि लोन कम देने हैं, मनी सप्लाई को कम करना है, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग जो है उनको महंगा हो जाए खरीदना, पैसा खरीदना, लोन लेना उनको महंगा हो जाए और वो कम लोन लें। ठीक, समझ में आ गया। चलो जी, उसने कहा फॉर इंस्टेंस द लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू स्पर द ग्रोथ। टू मेंटेन द लिक्विडिटी द आरबीआई इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी सर, पैसा नहीं होगा तो लोग खर्चा कैसे करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो जो इकोनॉमी है, जो मनी है वो घूमेगी कैसे, जो घूमेगी नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है ना। जब तक आप कुछ खरीदोगे नहीं, उसके ऊपर खर्चा करोगे नहीं, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी। फिर तो पैसा एक इंसान के हाथ में पड़ा पड़ा है सर, ग्रो तो कर नहीं रहा ना, वो तो फिर वहीं का वहीं पड़ा है, बात खत्म है। बाय परचेजिंग बॉन्ड्स थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस द आरबीआई इंट्रोड्यूसेस द मनी इन द सिस्टम एंड रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा और इंजेक्ट करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो जरूरी नहीं कि वो हर बार नया नोट ही प्रिंट करेगी। वो क्या करती है, वो ओपन मार्केट से बॉन्ड्स परचेज कर लेगी। आरबीआई बॉन्ड्स परचेज करेगी तो ऑब्वियसली पेमेंट करेगी, पैसा पे करेगी, तो वो पैसा कहां आ रहा है अल्टीमेटली, मार्केट में आ रहा है वो पैसा, तो वही तो आरबीआई चाहती थी। जरूरी नहीं कि हर बार नया नोट ही प्रिंट करेंगे सर। वो कहता है दूसरे वेज भी है, हम लोग क्या करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन से करेंगे। ओपन मार्केट में जाकर हम लोग बॉन्ड्स खरीद लेंगे वहां से, जिससे कि पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएगा, पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट से घूम के इकोनॉमी में चला जाएगा। समझ में आ गया बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है, क्या उसका काम है। ठीक, अब मेरे पास कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर मैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, जो हमने इस चैप्टर पूरे चैप्टर में पढ़ना है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, चलो जी, तो बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं इसके। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है सर, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आएगा हमारे पास एनालिटिक्स, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी, और तीसरा आएगा मेरे पास ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तीसरा हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये तीन पार्ट्स में हम लोगों ने इस चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, फिर एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, एंड डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, नॉट इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है प्राइस पे। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में इसको हम लोगों ने डिवाइड करके पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर मॉनेटरी पॉलिसी के, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द प्राइस स्टेबिलिटी, कि एक मार्केट में प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहने चाहिए। अब प्राइस की अनस्टेबिलिटी कब आती है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है डिमांड इतनी है कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी रेट पे बिक जाएगा, तो प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। उल्टा काम है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है कि जिससे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा डाउन हो गई, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो क्या होगा, मैं उसको डिस्काउंट पे सेल पे लगाना शुरू कर दूंगा कि निकले सही, निकलना चाहिए किसी भी तरह से। तो आरबीआई का मेन मोटिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है, ये जो प्राइसेस हैं इसमें स्टेबिलिटी लानी है, ये नहीं कि हर दूसरे दिन इतनी फ्लक्चुएशंस करते रहो आप लोग कि जो एक आम पब्लिक है उसको समझ में ही ना आए क्या करना क्या नहीं करना। ठीक, Keynes suggested that the price stabilization is a main objective of the monetary policy. The stable prices repose the public confidence because the cyclical fluctuations are totally eliminated. कहता है जितना prices में stability होगी उतना public का confidence increase होगा, उतना public का विश्वास रहेगा हमारे banking system में। It promotes business activity and ensures the equitable distribution of income and वेल्थ। ऑब्वियसली बिजनेस एक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्यों, अगर रोज प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आज कोई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है, कल खरीदू आज खरीदू, वो हर समय एक कंफ्यूजन में रह जाएगा कि प्राइसेस तो रोज ही चेंज होते जा रहे हैं, प्राइसेस की स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब हमें पता है कि एक लंबे टाइम के लिए प्राइसेस स्टेबल रहने वाले हैं तो फिर हम अपनी डीलिंग्स उस अकॉर्डिंग करते रहेंगे मैनेज। ठीक है, As a consequence, there is a general wave of prosperity and welfare in the community. So, price stability is the major, the primary objective of any monetary policy. Dusra hai economic stability, maintenance of the full employment and the achievement of the high level of economic growth. ठीक है जी, वो कहता है दूसरा क्या है, पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी के पूरी एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज वन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड द अचीवमेंट ऑफ द हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर एम्प्लॉयमेंट से किस तरह, मॉनेटरी पॉलिसी से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है, देखो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने किया कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में से बहुत कम कर दिया। ठीक है, जब सप्लाई कम है तो एक जो बिजनेसमैन है उसके पास भी तो पैसा कम है ना, जब ओवरऑल मार्केट में पैसा कम है, मनी सप्लाई जो है वो कम है, तो एक बिजनेसमैन पे भी तो इंपैक्ट आता है उस चीज का। एक बिजनेसमैन के हाथ में जो पैसा है वो भी तो रिड्यूस होता है ना, उसकी भी तो मनी सप्लाई से रिलेटेड है वो। जब उसके हाथ में पैसा कम होगा तो वो कहेगा कि मैं आगे 100 एम्प्लॉयज रखे हुए थे, मैंने उनको सैलरीज देनी है, जब मेरे पास ही पैसा हाथ में कम हो गया तो मैं इतने एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे दूंगा, वो अपने 20 एम्प्लॉयज को निकाल देता है, दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन पर्पस
ये भी है, एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये भी देखना कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होनी चाहिए, कि मॉनेटरी सप्लाई को हम लोग, मनी की सप्लाई को इतना कम ना कर दें, इतना बढ़ा ना दें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हम लोगों ने मेंटेन करके रखना है एंड अचीव द ओवरऑल इकोनॉमीज ग्रोथ। तो दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स है सर? रैपिड इकोनॉमिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बार रीड करोगे याद रह जाएंगे। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेट मैनेजमेंट कि कितना पैसा डेट में है कितना नहीं है, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रखना, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं जहां से बननी है हमारी चीज जो यूज होगी, उनको एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट हो, ये ना हो कि इतना कम हो जाए कि वो लोग प्रोडक्शन ही ना कर पाए, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो लोगों तक सामान कैसे पहुंचेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को भी स्टेबल करना। क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक एफिशिएंट मार्केट क्रिएट करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी, ताकि लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, सो दीज आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, एक बार इसको रीड कर लेना। तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हमारा जो पहला कॉम्पोनेंट था दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को क्या करने है, बाकी के दो कॉम्पोनेंट्स करने हैं, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला कॉम्पोनेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा, एक अगला कॉम्पोनेंट भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। और जो तीसरा कॉम्पोनेंट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो थोड़ा सा लंबा है हमारे पास, ठीक है, उसको दो या तीन लेक्चर्स जैसे भी होगा वो लगेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में सर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com, राइट? और टेलीग्राम और वेबसाइट के लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।